इसराइल ने हिजबुल्ला के अहम कमांडर इब्राहिम आकिल को फिजाई हमले में किया शहीद। हिजबुल्ला के अहम तरीन रिजवान यूनिट के मजीद 7 अराकीन भी जाबा हक। गजा में इसराइली बर्बरियां जारी, 2 घरों पर इसराइली हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद। सफाक इसराइली फौजी छतों से फलस्तीनियों की नाशें नीचे फेंकते हुए आए नजर, तहकीकात का पुरजोर मुतालबा। चेचनिया के सरबराह रमजान कदरोफ ने एलोन मस्क पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा मस्क से मिली इलेक्ट्रिक साइबर ट्रक को बना दिया गया है नाकारा। मुंबई के धारावी में वाक़ मस्जिद महबूब सुबहानी के मुबैया नाजायज हिस्से को गिराने पहुंची बीएमसी की टीम, मकामी मुसलमानों ने किया शदीद एहतजाज, पुलिस स्टेशन के सामने दिया धरना, हालात हुए कशीदा। कर्नाटक में फलस्तीनी परचम थामने का रियासती वजीर बीजेड जमीर ने किया दिफा, कहा फलस्तीनी परचम थामना कोई गलत काम नहीं, खुद मोदी सरकार कर चुकी है फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। और दारुसलाम में मिलाद जलसे से खिताब करते हुए वक्फ के मुद्दे पर गोदी एंकर्स पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा वक्फ की जमीन पर डिबेट करने वालों, ये तुम्हारे बाप की नहीं हमारे आबाओ अजदाद की दी गई जमीनें हैं।